आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि पुलिस से बेखौफ आए दिन चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। इसके तहत पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुंबई की दहिसर पुलिस ने दो शातिर चोर को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 12.5 लाख का सोना और चांदी के गहने बरामद किए। यह शातिर चोर महज 3 घंटे के घर की सफाई कर रफू चक्कर हो जाते हैं। पनवेल में आकर मुंबई में 2 दिन तक रेकी करते हैं और उसके बाद बंद घरों को निशाना बनाकर दिन दहाड़े दरवाजा तोड़कर चोरी कर फरार हो जाते हैं। दहिसर पुलिस को विलास मोतीराम महामुनकर ने शिकायत की थी कि 20 अप्रैल सुबह 11 बजे से 3 बजे तक जब वहां लोग घर से बाहर गए हुए थे, उसी दरमियान उनके घर का दरवाजे का तोड़कर घर से सोने चांदी के गहने और सामान चोरी हो गया है। शिकायत मिलने के बाद दहिसर जोन 12 DCP सोमनाथ घारगे के मार्गदर्शन में दहिसर सीनियर PI प्रवीण पाटिल के नेतृत्व में घटना स्थल का मुआयना करने के बाद PI संजय बांगर और डिटेक्शन टीम के API चौहान, API ओम तोटावार इलाके के आसपास के करीब 76 CCTV फुटेज खंगाले, जिसमें सिर्फ आरोपी के पैर और उसमें पहने हुए जूते के आधार पर जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। फुटेज के आधार पर आरोपी वही जूते पहनकर एक बाइक पर जाते हुए दिखाई दिया था। उसी बाइक के नंबर के आधार पर दहिसर पुलिस ने बाइकर को जांच के लिए बुलाया, जिसमें पता चला कि आरोपी अनंत भीगू कांबले और ज्ञानेश्वर बबन बंगरे नवी मुंबई पनवेल के रहने वाले हैं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर उनके पास से सोने और चांदी के गहने सहित बाइक और मोबाइल जब्त कर लिया है। क्या है पूरा मामला, कहां से कैसे क्या नया मॉडल्स इसके सामने आया? ये एक 20 अप्रैल को श्रीकृष्ण नगर ये एरिया में एक सोसाइटी में एक बड़ी HBT हुई थी, जिसमें एक 20 लाख से भी ज़्यादा का जो माल जो है वो चोरी हुआ था, जिसमें सोना और चांदी के जो ज्वेलरी है चोरी हुई थी। इसमें खासियत ये थी कि जैसे कि घर के जो लोग हैं 11 बजे बाहर निकले थे और 3 बजे वापस आए थे, तो ये बीच में 4 घंटे में ये चोरी हो गई थी। तो ये एकदम प्रोफेशनल जो क्रिमिनल्स है यही हो सकते हैं, क्योंकि रेकी करना, सर्वेलेंस रखना, कब लोग बाहर जा रहे, कहाँ जा रहे और फिर जाके अंजाम देना, तो ये प्रोफेशनल चोरी कर सकते हैं। तो इसमें एक जो घर का जो ताला तोड़ के अंदर घुस के ये चोरी की थी, तो इसमें भी ऐसा ही था कि कुछ ज़्यादा एविडेंस कुछ अवेलेबल नहीं था, लेकिन एन नंबर ऑफ बहुत सारे यानी कि CCTV फुटेजेस ये वो, फिर आगे जाके यानी कि कॉल डिटेल्स उसको यानी कि एनालिसिस करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये जो 2 लोग हैं, ये दोनों के जो नाम हैं, एक है अनंत भिकू कांबले और दूसरा है ज्ञानेश्वर बांगरे, ये दोनों भी यानी कि रिकॉर्ड क्रिमिनल्स हैं और इनके खिलाफ 26 ऐसे HBT के ऑफेंसेस रजिस्टर है और ये ऐसे बड़े बड़े अंजाम देने वाले हैं, यानी कि एकदम जो हैबिचुअल चोर है। और ये लोग जहाँ CCTV नहीं होता है और वॉचमैन नहीं होता है, ऐसी सोसाइटी ढूंढते हैं और वहीं पे अंजाम देते हैं। तो अब तक ये दोनों को अरेस्ट किया है और ये दोनों से डिटेक्शन टीम ने अब तक 12 लाख से ऊपर जो सोना और चांदी है रिकवर किया है। सर, इनकी टीम में और कितने लोग हो सकते हैं और किस तरह का मॉडल? नहीं, इसमें से अब तक का जो यानी सामने आया है तो यही है कि 2 ही लोग हैं। एक पहले सर्वेलेंस करता है पूरा, यानी कि देख लेता है कि क्योंकि उनको मालूम नहीं रहता कि कौन से घर से कौन लॉक लगा के बाहर निकलेगा, तो पहले देख लेते हैं और तुरंत दूसरा कहीं और खड़ा रहता है उसको बुला के लाते हैं और एक दो घंटे में वो अंजाम देते हैं। रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।